हेलो तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्ल मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये तो पचासी की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है और और इस फिल्म को डायरेक्ट इसे लिखे हैं माइकल बटलर डेनिस और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाइंट स्टूड और इसे स्टारिंग दिए क्लाइंट इस्टव माइकल मॉरिट्री कैरी सोन डिग्रेस क्रिस्टोफर पेन रिचर्ड डेसार्ट डे सिडनी पेनी रिचर्ड कील डॉग एमसी ग्रथ जॉन रोसेल और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है ब्रूस शॉर्टस और इसे एडिट के जोएल कॉक्स और इसे म्यूजिक दिए लैनी नी और इसकी पुड़ा कंपनी द मेल कंपनी और इसे डिस्ट्रीब्यूट की वन ब्रदर और इसका रिलीज रहा है ट्वेंटी और इसका रेंट है वन वन हंड्रेड सिक्सटी मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर और इस टेलीफ्रेन इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं क्लाइंट स्टूड एज द प्रीचर के रूप में माइक मॉरिट्री एज द होल बैरेट के रूप में कैरी सॉन ग्रेस एज सारा व्हीलर के रूप में रिचर्ड डे स्टार्ट कोए लेहुड के रूप में सिडनी पेनी एज मेगन व्हीलर के रूप में जॉन रूसेल मार्सल स्टोकबर्न के रूप में रिचर्ड किया एस क्लब के रूप में डॉग एम सी एज स्पेडर कॉनवे के रूप में चक लेफ्ट एज इडी कॉनवे के रूप में बिली ड्रैगो एज डिप्टी मैदर के रूप में जेफरी वेस्टमैन एज डेडी कॉनवे के रूप में चार्ल्स हैलहन एस एम सी गिल के रूप में मार्विन एजर्ड एम

लाहौर स्वतंत्र भविष्य वक्ताओं और उनके परिवारों के खिलाफ डराने धमकाने का युद्ध छेड़ रहा है जिसमें हल बैरेट भी शामिल है जो सारा व्हीलर से प्रेम मालाप कर रहा है सारा की किशोर बेटी मेगना लाहड़ू से मुक्ति के लिए बेताब है क्योंकि उसके आदमियों को एक गिरोह ने खान शिविर सिवे शिविर पर हमला किया और उसके कुत्ते को मार डाला एक चमत्कार के लिए प्रार्थना प्रार्थना करती है कुछ ही समय बाद एक आदमी पीले घोड़े पर सवार सवार हो कर, पीले घोड़े कपड़े धो रहा था उसने देखा कि पीठ पे छह गोलियां के घाव दिखाई दे रहे हैं जब अजनबी खाने के मेज पर आता है है तो वह लिपिक कॉलर पहनता है और उसके बाद उसे उपदेशक कहा जाता है कोई लाहौडू का बेटा जो सुआ कलब नामक एक विशाल कार्यकर्ता के साथ उपदेशक को डराने का प्रयास करता है हालांकि प्रीचर कमर में पर हथौड़े से वार करके क्लब को निष्क्रिय कर देता है कोई इससे क्रमेटो से लौटता है उसे उपदेशक के आगमन के बारे में पता चलता है और वह उसे रिश्वत देने और फिर धमकी देने की असफल प्रयास करता है के सुझाव पर लाहड़ू खानी को प्रति दावे एक हजार डॉलर की पेशकश करता है बशर्त व चौबीस घंटों के भीतर खाली कर दे लाडू का कहना है कि वह स्टॉकबोर्ड नाम के एक भ्रष्ट मार्शल की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है ताकि अगर वे मना कर दे तो द्वारा उन्हें हटा दिया जाए। उदारा उन्हें बॉन्ड के बारे में चेतावनी देने के बावजूद खानिकों के अलहाड़ो की पेशकश का अस्वीकार कर दिया मेगन परिसर के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है लेकिन वह धीरे से उसे छी दे झिड़क देते हैं मैगन गुस्से में मान लेती है कि प्रीचर वास्तव में सारा से प्यार करता है उपदेशक कार्बन कैनियन से दूसरे शहर के लिए निकलता है जहां वो वेल्स फॉर्ग बेस्ट बैंक में रुकता है बैंक में वहां एक सुरक्षा बॉक्स से दो दो पिस्तौल उठाता है और वह अपना लिपिक कॉलर हटा देता है लहाड़ू के लोगों ने खाड़ी को बांध दिया और स्थानीय को कुछ सूखे बिस्तर पर खन कर करने के लिए मजबूर किया मेगन लाहौड़ो के शिविर में आती आ, आ जा, जाती है जहां जोशुआ उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने से पहले उसे ब्लास्ट ब्ला, ब्लास्टिक ऑपरेशन दिखाता है और जैसे घोड़े पर सवार होकर आता है जोशुआ को निहत्र कर देता है और उसके साथ में गोली मार देता है

इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्ल राइडर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये तो उन्नीस की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया क्लिंट ईस्टवुड और इस लिखे हैं माइकल बटलर डेनिस शरीक और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाइंट स्टूड इस और इसे स्टारिंग दिए क्लाइंट स्टूड माइकल मॉरिट्री कैरी सोन डिग्रेस क्रिस्टोफर पेन रिचर्ड डेसार्ट डेडनी पेनी रिचर्ड कियल डॉग एमसी ग्रथ जॉन रूसेल और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए ब्रूस शर्ट, ब्रूस और इसे एडिट किए जोएल कॉक्स और इसे म्यूजिक दिए लैन, लैनी नी और इसकी पुरानी कंपनी द मेल पैसो कंपनी और इस डिस्ट्रीब्यूट की और इसका बनी हुई इंग, इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर और इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं क्लाइंट स्टूड एज प्रीचर के रूप में माइक मॉरिट्री एज लहुल बैरट के रूप में कैरी सोन एंड ग्रेस एज सारा व्हीलर के रूप में रिचर्ड डे स्टार्ट को लेड के रूप में सिडनी पेनी एज मेगन व्हीलर के रूप में जॉन रूसेल एज मार्शल स्टोकबर्न के रूप में रिचर्ड किया एस क्लब के ग्रुप में डॉग एम सिगरेट एज एसपेडर कॉनवे के रूप में चक क्लेफोंट एज ईडी कॉनवे के रूप में बिली ड्रैगो एज डिप्टी मैदर के ग्रुप में जेफरी वेस्टमैन, एज डेडी कॉनवे के रूप में चार्ल्स हैलहन एस एम सी गिल के रूप में मार्विन एजर्ड एम

लाहड़ू स्वतंत्र भविष्य वक्ताओं और उनके परिवारों के खिलाफ डराने धमकाने का युद्ध छेड़ रहा है जिसमें हल भी शामिल है जो सारा व्हीलर से प्रेम मालाप कर रहा है सारा की किशोर बेटी मेगना लाहड़ू से मुक्ति के लिए बेताब है क्योंकि उसके आदमियों को एक गिरोह ने खान शिविर सिवे शिविर पर हमला किया और उसके कुत्ते को मार डाला एक चमत्कार के लिए प्रार्थना प्रार्थना करती है कुछ ही समय बाद एक आदमी पीले घोड़े पर सवार सवार हो कर, पीले घोड़े कपड़े धो रहा था उसने देखा कि पीठ पे छह गोलियां के घाव दिखाई दे रहे हैं जब अजनबी खाने के मेज पर आता है है तो वह लिपिक कॉलर पहनता है और उसके बाद उसे उपदेशक कहा जाता है कोई लाहौडू का बेटा जो सुहा कलम नामक एक विशाल कार्यकर्ता के साथ उपदे, उपदेशक को डराने का प्रयास करता है हालांकि प्रीचर कमर में पर हथौड़े से वार करके क्लब को निष्क्रिय कर देता है कोई इससे क्रमेटो से, से लौटता लो है उसे उपदेशक के आगमन के बारे में पता चलता है और वह उसे रिश्वत देने और फिर धमकी देने की असफल प्रयास करता है प्रीचर के सुझाव पर लाहडू खानी को प्रति दावे एक हजार डॉलर की पेशकश करता है बसर्त वह चौबीस घंटों के भीतर खाली कर दे लहाड़ू का कहना है कि वह स्टॉकबोर्ड नाम के एक भ्रष्ट मार्शल की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है ताकि अगर वे मना कर दे तो वह उन्हें हटा दिया जाए परिचर द्वारा उन्हें स्टॉक बॉन्ड के बारे में चेतावनी देने के बावजूद खानिकों के अलहाड़ों की पेशकश का अस्वीकार कर दिया मेगन परिचर के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है लेकिन वह धीरे से उसे छी दे झिगड़क देते हैं मैगन गुस्से में मान लेती है कि प्रीचर वास्तव में सारा से प्यार करता है उपदेशक कार्बन कैनियन से दूसरे शहर के लिए निकलता है जहां वो वेल्स फॉर बैंक में रुकता है बैंक में वहां एक सुरक्षा बॉक्स से दो दो पिस्तौल उठाता है और वह अपना लिपिक कॉलर हटा देता है लाहाड़ू के लोगों ने खाड़ी को बांध दिया और खानी को कुछ सूखे बिस्तर पर खन कर करने के लिए मजबूर किया मेगन लाहौर के शिविर में आती आ जा जाती है जहां जोशुआ उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने से पहले उसे ब्लास्ट ब्ला, ब्लास्टिक ऑपरेशन दिखाता है और जैसे घोड़े पर सवार होकर आता है जोशुआ को निहत्र कर देता है और उसके साथ में गोली मार देता है

इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्ल राइडर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं ये तो उन्नीस की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए है क्लिंट ईस्टवुड और इस लिखे हैं माइकल बटलर डेनिस शरीक और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाइंट इस्टूड और इसे स्टारिंग दिए क्लाइंट इस्टूड माइकल मॉरिट्री कैरी सोन डिग्रेस क्रिस्टोफर पेन रिचर्ड डेडनी पेनी रिचर्ड कियल डॉग एमसी ग्रथ जॉन रूसेल और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए ब्रूस शॉर्टस और इसे एडिट किए जोएल कॉक्स और इसे म्यूजिक दिए लैन, लैनी नी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी द मेल पे कंपनी और इस डिस्ट्रीब्यूट की और रिलीज डेट रहा है ट्वेंटी एट्टी और इसका रेन टाइम है 100, 160 और ये बनी हुई इंग, इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर और इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं क्लाइंट स्टूड एज द प्रीचर के रूप में माइक मॉरिट्री एज राहुल बैरेट के रूप में कैरी सोन एंड ग्रेस एज सरा व्हीलर के रूप में रिचर्ड डेस्टार्ड को लेहूड के रूप में सिडनी पेनी एज मेगन व्हीलर के रूप में जॉन रूसे मार्सल स्टोकबर्न के रूप में रिचर्ड किया एस क्लब के रूप में डॉग एम सिगरेट एज स्पेडर कॉनवे के रूप में चैक लेफोंट एज ईडी कॉनवे के रूप में बिली ड्रैगो एज डिप्टी मैदर के रूप में जेफरी वेस्टमैन एज डेडी कॉनवे के रूप में चार्ल्स हैलहन एस एम सी गिल के रूप में मार्विन एजर्ड एम

लाहौर स्वतंत्र भविष्य वक्ताओं और उनके परिवारों के खिलाफ डराने धमकाने का युद्ध छेड़ रहा है जिसमें हल बैरेट भी शामिल है जो सारा व्हीलर से प्रेम मालाप कर रहा है सारा की किशोर बेटी मेगना लाहड़ू से मुक्ति के लिए बेताब है क्योंकि उसके आदमियों को एक गिरोह ने खान शिविर सिवे शिविर पर हमला किया और उसके कुत्ते को मार डाला एक चमत्कार के लिए प्रार्थना प्रार्थना करती है कुछ ही समय बाद एक आदमी पीले घोड़े पर सवार सवार हो कर, पीले घोड़े कपड़े धो रहा था उसने देखा कि पीठ पे छह गोलियां के घाव दिखाई दे रहे हैं जब अजनबी खाने के मेज पर आता है है तो वह लिपिक कॉलर पहनता है और उसके बाद उसे उपदेशक कहा जाता है कोई लाहौडू का बेटा जो सुआ कलब नामक एक विशाल कार्यकर्ता के साथ उपदेशक को डराने का प्रयास करता है हालांकि प्रीचर कमर में पर हथौड़े से वार करके क्लब को निष्क्रिय कर देता है कोई इससे क्रमेटो से लौटता है उसे उपदेशक के आगमन के बारे में पता चलता है और वह उसे रिश्वत देने और फिर धमकी देने की असफल प्रयास करता है के सुझाव पर लाहड़ू खानी को प्रति दावे एक हजार डॉलर की पेशकश करता है बशर्त व 24 घंटों के भीतर खाली कर दे लहाड़ू का कहना है कि वह स्टॉकबोर्ड नाम के एक भ्रष्ट मार्शल की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है ताकि अगर वे मना कर दे तो द्वारा उन्हें हटा दिया जाए। उदारा उन्हें बॉन्ड के बारे में चेतावनी देने के बावजूद खानिकों के अलहाड़ो की पेशकश का अस्वीकार कर दिया मेगन परिसर के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है लेकिन वह धीरे से उसे छी दे झिड़क देते हैं मैगन गुस्से में मान लेती है कि प्रीचर वास्तव में सारा से प्यार करता है उपदेशक कार्बन कैनियन से दूसरे शहर के लिए निकलता है जहां वो वेल्स फॉर्ग बेस्ट बैंक में रुकता है बैंक में वहां एक सुरक्षा बॉक्स से दो दो पिस्तौल उठाता है और वह अपना लिपिक कॉलर हटा देता है लहाड़ू के लोगों ने खाड़ी को बांध दिया और खानी को कुछ सूखे बिस्तर पर खन कर करने के लिए मजबूर किया मेगन लाहौड़ो के शिविर में आती आ जा, जाती है जहां जोशुआ उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने से पहले उसे ब्लास्ट प्ला, ब्लास्टिक ऑपरेशन दिखाता है और जैसे घोड़े पर सवार होकर आता है जोशुआ को निहत्र कर देता है और उसके साथ में गोली मार देता है उसके हाथ में बोली मार देता है स्लॉग बन और उनके प्रतिद्वंदी लाड़ू पोचे का कॉय उसे उपदेशक का एक मोटा विवरण देता है जो स्टॉक बॉन्ड को चौंका देता है क्योंकि कॉय जिस व्यक्ति का वर्णन कर रहा है वह मर चुका है तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस प्रेस करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्ल राइडर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये तो उन्नीस की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया क्लिंट ईस्टवुड और इस लिखे हैं माइकल बटलर डेनिस शरीक और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाइंट स्टूड और इसे स्टारिंग दिए क्लाइंट स्टूड माइकल मॉरिट्री कैरी सोन डिग्रेस क्रिस्टोफर पेन रिचर्ड डे डेसार्ट डेडनी पेनी रिचर्ड कियल डॉग एमसी ग्रथ जॉन रूसेल और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए ब्रूस शर्ट, ब्रूस और इसे एडिट किए जोल कॉक्स और इसे म्यूजिक दिए लैन, लैनी न्यूहॉस और इसकी प्रोडक्शन कंपनी द मेल पैसो कंपनी और इस डिस्ट्रीब्यूट की वनर ब्रदर और इसका रिलेटेड रहा है ट्वेंटी और इसका रेंट टाइम है वन हंड्रेड और ये यूनाइटेड स्टेट बनी हुई इंग, इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 6.9 मिलियन डॉलर और इस इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं क्लाइंट स्टूड द प्रीचर के रूप में माइक मॉरिट्री एज लहुल बैरट के रूप में कैरी सोन एंड ग्रेस एज सारा व्हीलर के रूप में रिचर्ड डे स्टार्ट को लेड के रूप में सिडनी पेनी एज मेगन व्हीलर के रूप में जॉन रूसेल एज मार्शल स्टोकबर्न के रूप में रिचर्ड किया एस क्लब के ग्रुप में डॉग एम सिगरेट एज एसपेडर कॉनवे के रूप में चक लेफोंट एज ईडी कॉनवे के रूप में बिली ड्रैगो एज डिप्टी मैदर के ग्रुप में जेफरी वेस्टमैन एज डेडी कॉनवे के रूप में चार्ल्स हैलहन एस एम सी गिल के रूप में मार्विन एजर्ड एम

लाहड़ू स्वतंत्र भविष्य वक्ताओं और उनके परिवारों के खिलाफ डराने धमकाने का युद्ध छेड़ रहा है जिसमें हल भी शामिल है जो सारा व्हीलर से प्रेम मालाप कर रहा है सारा की किशोर बेटी मेगना लाहड़ू से मुक्ति के लिए बेताब है क्योंकि उसके आदमियों को एक गिरोह ने खान शिविर सिवे शिविर पर हमला किया और उसके कुत्ते को मार डाला एक चमत्कार के लिए प्रार्थना प्रार्थना करती है कुछ ही समय बाद एक आदमी पीले घोड़े पर सवार सवार हो कर, पीले घोड़े कपड़े धो रहा था उसने देखा कि पीठ पे छह गोलियां के घाव दिखाई दे रहे हैं जब अजनबी खाने के मेज पर आता है है तो वह लिपिक कॉलर पहनता है और उसके बाद उसे उपदेशक कहा जाता है कोई लाहौडू का बेटा जो सुहा कलम नामक एक विशाल कार्यकर्ता के साथ उपदे, उपदेशक को डराने का प्रयास करता है हालांकि प्रीचर कमर में पर हथौड़े से वार करके क्लब को निष्क्रिय कर देता है कोई इससे क्रमेटो से, से लौटता लो है उसे उपदेशक के आगमन के बारे में पता चलता है और वह उसे रिश्वत देने और फिर धमकी देने की असफल प्रयास करता है के सुझाव पर लाहड़ू खानी कुप्रति दावे एक हजार डॉलर की पेशकश करता है बसर्त व चौबीस घंटों के भीतर खाली कर दे लहाड़ू का कहना है कि वह स्टॉकबोर्ड नाम के एक भ्रष्ट मार्शल की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है ताकि अगर वे मना कर दे तो वह उन्हें हटा दिया जाए परिचर द्वारा उन्हें स्टॉक बॉन्ड के बारे में चेतावनी देने के बावजूद खानिकों के अलहाड़ों की पेशकश का अस्वीकार कर दिया मेगन परिचर के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है लेकिन वह धीरे से उसे छी दे झिगड़क देते हैं मैगन गुस्से में मान लेती है कि प्रीचर वास्तव में सारा से प्यार करता है उपदेशक कार्बन कैनियन से दूसरे शहर के लिए निकलता है जहां वो वेल्स फॉर बैंक में रुकता है बैंक में वहां एक सुरक्षा बॉक्स से दो दो पिस्तौल उठाता है और वह अपना लिपिक कॉलर हटा देता है लहाड़ू के लोगों ने खाड़ी को बांध दिया और खानी को कुछ सूखे बिस्तर पर खन खनन कर करने के लिए मजबूर किया मेगन लाहौर के शिविर में आती आ जा जाती है जहां जोशुआ उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने से पहले उसे ब्लास्ट ब्लास्टिक ऑपरेशन दिखाता है और जैसे घोड़े पर सवार होकर आता है जोशुआ को निहत्र कर देता है और उसके साथ में गोली मार देता है

इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्ल राइडर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं ये तो उन्नीस की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए है क्लिंट ईस्टवुड और इस लिखे हैं माइकल बटलर डेनिस शरीक और इसे प्रोड्यूस किए क्लाइंट स्टूड इस और इसे स्टारिंग दिए क्लाइंट स्टूड माइकल मॉरिट्री कैरिस क्रिस्टोफर पेन रिचर्ड डेसार्ट दे, सिडनी पेनी रिचर्ड कियल डॉग एमसी ग्रथ जॉन रोसेल और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है ब्रूस शॉर्टस Sart और इसे एडिट किए जोएल कॉक्स और इसे म्यूजिक दिए लैनी नी हॉश और इसकी पुड़ा कंपनी द मेल कंपनी और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वन ब्रदर और इसका रिलीज डेट रहा है ट्वेंटी और इसका रेंट टाइम है वन और ये 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 बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर और इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं क्लाइंट स्टूड एज प्रीचर के रूप में माइक मॉरिट्री एज लहुल बैरट के रूप में कैरी सोन एंड ग्रेस एज सारा व्हीलर के रूप में रिचर्ड को लेवड के रूप में सिडनी पेनी एज मेगन व्हीलर के रूप में जॉन रूसेल मार्सल स्टोकबर्न के रूप में रिचर्ड किया एस क्लब के रूप में डॉग एम सी एज स्पेडर कॉनवे के रूप में चक लेफ्ट एज इडी कॉनवे के रूप में बिली ड्रैगो एज डिप्टी मैदर के रूप में जेफरी वेस्टमैन एज डेडी कॉनवे के रूप में चार्ल्स हैलहन एस एम सी गिल के रूप में मार्विन एजर्ड एम

लाहौर स्वतंत्र भविष्य वक्ताओं और उनके परिवारों के खिलाफ डराने धमकाने का युद्ध छेड़ रहा है जिसमें हल बैरेट भी शामिल है जो सारा व्हीलर से प्रेम मालाप कर रहा है सारा की किशोर बेटी मेगना लाहड़ू से मुक्ति के लिए बेताब है क्योंकि उसके आदमियों को एक गिरोह ने खान शिविर सिवे शिविर पर हमला किया और उसके कुत्ते को मार डाला एक चमत्कार के लिए प्रार्थना प्रार्थना करती है कुछ ही समय बाद एक आदमी पीले घोड़े पर सवार सवार हो कर, पीले घोड़े कपड़े धो रहा था उसने देखा कि पीठ पे छह गोलियां के घाव दिखाई दे रहे हैं जब अजनबी खाने के मेज पर आता है है तो वह लिपिक कॉलर पहनता है और उसके बाद उसे उपदेशक कहा जाता है कोई लाहौडू का बेटा जो सुआ कलब नामक एक विशाल कार्यकर्ता के साथ उपदेशक को डराने का प्रयास करता है हालांकि प्रीचर कमर में पर हथौड़े से वार करके क्लब को निष्क्रिय कर देता है कोई इससे क्रमेटो से लौटता है उसे उपदेशक के आगमन के बारे में पता चलता है और वह उसे रिश्वत देने और फिर धमकी देने की असफल प्रयास करता है के सुझाव पर लाहड़ू खानी को प्रति दावे एक हजार डॉलर की पेशकश करता है बशर्त व चौबीस घंटों के भीतर खाली कर दे लाडू का कहना है कि वह स्टॉकबोर्ड नाम के एक भ्रष्ट मार्शल की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है ताकि अगर वे मना कर दे तो वह उन्हें हटा दिया जाए। उदारा उन्हें बॉन्ड के बारे में चेतावनी देने के बावजूद खानिकों के अल्डो की पेशकश का अस्वीकार कर दिया मेगन परिसर के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है लेकिन वह धीरे से उसे छिकर दे झिड़क देते हैं मैगन गुस्से में मान लेती है कि प्रीचर वास्तव में सारा से प्यार करता है उपदेशक कार्बन कैनियन से दूसरे शहर के लिए निकलता है जहां वो वेल्स फॉर्ग बेस्ट बैंक में रुकता है बैंक में वहां एक सुरक्षा बॉक्स से दो दो पिस्तौल उठाता है और वह अपना लिपिक कॉलर हटा देता है लहाड़ू के लोगों ने खाड़ी को बांध दिया और स्थानीय को कुछ सूखे बिस्तर पर खन कर करने के लिए मजबूर किया मेगन लाहौड़ो के शिविर में आती आ जा, जाती है जहां जोशुआ उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने से पहले उसे ब्लास्ट ब्ला, ब्लास्टिक ऑपरेशन दिखाता है और जैसे घोड़े पर सवार होकर आता है जोशुआ को निहत्र कर देता है और उसके साथ में गोली मार देता है

इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्ल राइडर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं ये तो उन्नीस सौ पचासी की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए क्लिंट ईस्टवुड और इसे लिखे हैं माइकल बटलर डेनिस सरी और इसे प्रोड्यूस किए क्लाइंट स्टूड इस और इसे स्टारिंग दिए क्लाइंट स्टूड माइकल मॉरिट्री कैरी क्रिस्टोफर पेन रिचर्ड डे रिचर्डनी पेनी रिचर्ड डॉग, जॉन दिए और इसे ने, Short, Shortis, और इसे एडिट के जोएल कॉक्स और इसे म्यूजिक लैन लैनी नीह और इसकी पुरानी कंपनी द मेल पैशो कंपनी और इसे डिस्ट्रीब्यूट किएजर और इसका रिलीज रहा है 26, 1985, और इसका वन हंड्रेड सिक्सटी मिनट और ये यूनाइटेड में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर और इस इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं क्लाइंट स्टूड एज द प्रीचर के रूप में माइक मॉरिट्री एज द हूल बैरट के रूप में कैरी एंड सोनड ग्रेस एज सारा व्हीलर के रूप में रिचर्ड डे स्टार्ट को लेहुड के रूप में सिडनी पेनी एज मेगन व्हीलर के रूप में जॉन रूसे मार्सल स्टोकबर्न के रूप में रिचर्ड किया एस क्लब के रूप में डॉग एम सी एज स्पेडर कॉनवे के रूप में चक क्लेफ एजी कॉनवे के रूप में बिली ड्रैगो एज डिप्टी मैदर के रूप में जेफरी वेस्टमैन एज डेडी कॉनवे के रूप में चार्ल्स हैलोहन एस एम सी गिल के रूप में मार्विन एजर्ड एम

लाहड़ू स्वतंत्र भविष्य वक्ताओं और उनके परिवारों के खिलाफ डराने धमकाने का युद्ध छेड़ रहा है जिसमें हल भी शामिल है जो सारा व्हीलर से प्रेम कर रहा है सारा की किशोर बेटी मेघना लाहड़ू से मुक्ति के लिए बेताब है क्योंकि उसके आदमियों को एक गिरोह ने खान शिविर सिवे शिविर पर हमला किया और उसके कुत्ते को मार डाला एक चमत्कार के लिए प्रार्थना प्रार्थना करती है कुछ ही समय बाद एक आदमी पीले घोड़े पर सवार सवार हो कर, पीले घोड़े कपड़े धो रहा था उसने देखा कि पीठ पे छह गोलियां के घाव दिखाई दे रहे हैं जब अजनबी खाने के मेज पर आता है है तो वह लिपिक कॉलर पहनता है और उसके बाद उसे उपदेशक कहा जाता है कोई लाहौडू का बेटा जो सुहा कलम नामक एक विशाल कार्यकर्ता के साथ उपदे, उपदेशक को डराने का प्रयास करता है हालांकि प्रीचर कमर में पर हथौड़े से वार करके क्लब को निष्क्रिय कर देता है कोई इससे क्रमेटो से, से लौटता लो है उसे उपदेशक के आगमन के बारे में पता चलता है और वह उसे रिश्वत देने और फिर धमकी देने की असफल प्रयास करता है के सुझाव पर लाहड़ू खानी कुप्रति दावे एक हजार डॉलर की पेशकश करता है बसर्त व चौबीस घंटों के भीतर खाली कर दे लहाड़ू का कहना है कि वह स्टॉकबोर्ड नाम के एक भ्रष्ट मार्शल की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है ताकि अगर वे मना कर दे तो वह उन्हें हटा दिया जाए परिचर द्वारा उन्हें स्टॉकबोर्ड के बारे में चेतावनी देने के बावजूद खानिकों के अलहाड़ो की पेशकश का अस्वीकार कर दिया मेगन परिचर के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है लेकिन वह धीरे से उसे छी दे झिगड़क देते हैं मैगन गुस्से में मान लेती है कि प्रीचर वास्तव में सारा से प्यार करता है उपदेशक कार्बन कैनियन से दूसरे शहर के लिए निकलता है जहां वो वेल्स फॉर बैंक में रुकता है बैंक में वहां एक सुरक्षा बॉक्स से दो दो पिस्तौल उठाता है और वह अपना लिपिक कॉलर हटा देता है लहाड़ू के लोगों ने खाड़ी को बांध दिया और खानी को कुछ सूखे बिस्तर पर खन खनन कर करने के लिए मजबूर किया मेगन लाहौर के शिविर में आती आ जा जा जाती है जहां जोशुआ उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने से पहले उसे ब्लास्ट ब्ला, ब्लास्टिक ऑपरेशन दिखाता है और जैसे घोड़े पर सवार होकर आता है जोशुआ को निहत्र कर देता है और उसके साथ में गोली मार देता है

इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर दें हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्ल राइडर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये तो उन्नीस की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है क्लिंट ईस्टवुड और इस लिखे हैं माइकल बटलर डेनिस शरीक और इसे प्रोड्यूस किए क्लाइंट इस्टुड और इसे स्टारिंग दिए क्लाइंट इस्टुड माइकल मॉरिट्री कैरी सोनिंड्रेग्रेस क्रिस्टोफर पेन रिचर्ड डेसार्ट शिनी पेनी रिचर्ड किल डॉग एमसी क्राट जॉन रूसेल और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए ब्रूस शर, सॉर्टेस और इसे एडिट किए जोएल कॉक्स और इसे म्यूजिक दिए ल� लैन, नी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी पोड पे कंपनी और इस डिस्ट्रीब्यूट की रिलीज डेट रहा है ट्वेंटी एट्टी और इसका रेन टाइम है 100, 160 और ये बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर और इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं क्लाइंट स्टूड एज द प्रीचर के रूप में माइक मॉरिट्री एज लाहूल बैरट के रूप में कैरी सॉन एंड ग्रेस एज सरा व्हीलर के रूप में रिचर्ड डे स्टार्ट को लेड के रूप में सिडनी पेनी एज मेगन व्हीलर के रूप में जॉन रूसे मार्सल स्टोकबर्न के रूप में रिचर्ड किया एस क्लब के रूप में डॉग एम सिगरेट एज स्पेडर कॉनवे के रूप में चक लेफोंट एज ईडी कॉनवे के रूप में बिली ड्रैगो एज डिप्टी मैदर के रूप में जेफरी वेस्टमैन एज डेडी कॉनवे के रूप में चार्ल्स हैलहन एस एम सी गिल के रूप में मार्विन एजर्ड एम

लाहौर स्वतंत्र भविष्य वक्ताओं और उनके परिवारों के खिलाफ डराने धमकाने का युद्ध छेड़ रहा है जिसमें हल भी शामिल है जो सारा व्हीलर से प्रेम मालाप कर रहा है सारा की किशोर बेटी मेगना लाहौर से मुक्ति के लिए बेताब है क्योंकि उसके आदमियों को एक गिरोह ने खान शिविर सिवे शिविर पर हमला किया और उसके कुत्ते को मार डाला एक चमत्कार के लिए प्रार्थना प्रार्थना करती है कुछ ही समय बाद एक आदमी पीले घोड़े पर सवार सवार हो कर, पीले घोड़े कपड़े धो रहा था उसने देखा कि पीठ पे छह गोलियां के घाव दिखाई दे रहे हैं जब अजनबी खाने के मेज पर आता है है तो वह लिपिक कॉलर पहनता है और उसके बाद उसे उपदेशक कहा जाता है कोई लाहौडू का बेटा जो सुआ कलब नामक एक विशाल कार्यकर्ता के साथ उपदेशक को डराने का प्रयास करता है हालांकि प्रीचर कमर में पर हथौड़े से वार करके क्लब को निष्क्रिय कर देता है कोई इससे क्रमेटो से लौटता है उसे उपदेशक के आगमन के बारे में पता चलता है और वह उसे रिश्वत देने और फिर धमकी देने की असफल प्रयास करता है के सुझाव पर लाहड़ू खानी को प्रति दावे एक हजार डॉलर की पेशकश करता है बशर्त व चौबीस घंटों के भीतर खाली कर दे लाडू का कहना है कि वह स्टॉकबोर्ड नाम के एक भ्रष्ट मार्शल की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है ताकि अगर वे मना कर दे तो द्वारा उन्हें हटा दिया जाए। उदारा उन्हें बॉन्ड के बारे में चेतावनी देने के बावजूद खानिकों के अलहाड़ो की पेशकश का अस्वीकार कर दिया मेगन परिसर के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है लेकिन वह धीरे से उसे छी दे झिड़क देते हैं मैगन गुस्से में मान लेती है कि प्रीचर वास्तव में सारा से प्यार करता है उपदेशक कार्बन कैनियन से दूसरे शहर के लिए निकलता है जहां वो वेल्स फॉर्ग बेस्ट बैंक में रुकता है बैंक में वहां एक सुरक्षा बॉक्स से दो दो पिस्तौल उठाता है और वह अपना लिपिक कॉलर हटा देता है लाहाड़ू के लोगों ने खाड़ी को बांध दिया और खानी को कुछ सूखे बिस्तर पर खनन कर करने के लिए मजबूर किया मेगन लाहौड़ों के शिविर में आती आ जा जाती है जहां जोशुआ उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने से पहले उसे ब्लास्ट ब्लास्टिक ऑपरेशन दिखाता है और जैसे घोड़े पर सवार होकर आता है जोशुआ को निहत्र कर देता है और उसके साथ में गोली मार देता है

इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्ल राइडर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये तो उन्नीस की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया क्लिंट ईस्टवुड और इस लिखे हैं माइकल बटलर डेनिस शरीक और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाइंट स्टूड और इसे स्टारिंग दिए क्लाइंट स्टूड माइकल मॉरिट्री कैरी सोन डिग्रेस क्रिस्टोफर पेन रिचर्ड डे डेसार्ट डेडनी पेनी रिचर्ड कियल डॉग एमसी ग्रथ जॉन रोसेल और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए ब्रूस ब्रूटेस शर्ट, और इसे एडिट किए जोल कॉक्स और इसे म्यूजिक दिए लैन, लैनी निहाश और इसकी पुराने कंपनी द मेल पैशो कंपनी और इस रिसिबर की वनर ब्रदर और इसका रिलीज डेट रहा है 26 1985 और इसका रनटाइम है 100, 160 मिनट और ये यानी एक्शन बनी हुई इंग, इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है 6.9 मिलियन डॉलर और इस रेफरेंस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं क्लाइंट स्टूड एज द प्रीचर के रूप में माइक मॉरिट्री एज लहुल बैरट के रूप में कैरी सोन एंड ग्रेस एज सारा व्हीलर के रूप में रिचर्ड डे स्टार्ट को लेड के रूप में सिडनी पेनी एज मेगन व्हीलर के रूप में जॉन रूसेल एज मार्शल स्टोकबर्न के रूप में रिचर्ड किया एस क्लब के ग्रुप में डॉग एम सिगरेट एज एसपेडर कॉनवे के रूप में चक क्लेफोंट एज ईडी कॉनवे के रूप में बिली ड्रैगो एज डिप्टी मैदर के ग्रुप में जेफरी वेस्टमैन, एज डेडी कॉनवे के रूप में चार्ल्स हैलहन एस एम सी गिल के रूप में मार्विन एजर्ड एम

लाहड़ू स्वतंत्र भविष्य वक्ताओं और उनके परिवारों के खिलाफ डराने धमकाने का युद्ध छेड़ रहा है जिसमें हल भी शामिल है जो सारा व्हीलर से प्रेम मालाप कर रहा है सारा की किशोर बेटी मेगना लाहड़ू से मुक्ति के लिए बेताब है क्योंकि उसके आदमियों को एक गिरोह ने खान शिविर सिवे शिविर पर हमला किया और उसके कुत्ते को मार डाला एक चमत्कार के लिए प्रार्थना प्रार्थना करती है कुछ ही समय बाद एक आदमी पीले घोड़े पर सवार सवार हो कर, पीले घोड़े कपड़े धो रहा था उसने देखा कि पीठ पे गो छह गोलियां के घाव दिखाई दे रहे हैं जब अजनबी खाने के मेज पर आता है है तो वह लिपिक कॉलर पहनता है और उसके बाद उसे उपदेशक कहा जाता है कोई लाहौडू का बेटा जो सुहा कलम नामक एक विशाल कार्यकर्ता के साथ उपदे, उपदेशक को डराने का प्रयास करता है हालांकि प्रीचर कमर में पर हथौड़े से वार करके क्लब को निष्क्रिय कर देता है कोई इससे क्रमेटो से, से लौटता लो है उसे उपदेशक के आगमन के बारे में पता चलता है और वह उसे रिश्वत देने और फिर धमकी देने की असफल प्रयास करता है के सुझाव पर लाहड़ू खानी कुप्रति दावे एक हजार डॉलर की पेशकश करता है बसर्त व चौबीस घंटों के भीतर खाली कर दे लहाड़ू का कहना है कि वह स्टॉकबोर्ड नाम के एक भ्रष्ट मार्शल की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है ताकि अगर वे मना कर दे तो वह उन्हें हटा दिया जाए परिचर द्वारा उन्हें स्टॉकबोर्ड के बारे में चेतावनी देने के बावजूद खानिकों के अलहाड़ो की पेशकश का अस्वीकार कर दिया मेगन परिचर के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है लेकिन वह धीरे से उसे छी दे झिगड़क देते हैं मैगन गुस्से में मान लेती है कि प्रीचर वास्तव में सारा से प्यार करता है उपदेशक कार्बन कैनियन से दूसरे शहर के लिए निकलता है जहां वो वेल्स फॉर बैंक में रुकता है बैंक में वहां एक सुरक्षा बॉक्स से दो दो पिस्तौल उठाता है और वह अपना लिपिक कॉलर हटा देता है लाहाड़ू के लोगों ने खाड़ी को बांध दिया और खानी को कुछ सूखे बिस्तर पर खन कर करने के लिए मजबूर किया मेगन लाहौर के शिविर में आती आ जा जाती है जहां जोशुआ उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने से पहले उसे ब्लास्ट ब्ला, ब्लास्टिक ऑपरेशन दिखाता है और जैसे घोड़े पर सवार होकर आता है जोशुआ को निहत्र कर देता है और उसके साथ में गोली मार देता है

इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्ल राइडर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं ये तो उन्नीस की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है क्लिंट ईस्टवुड और इस लिखे हैं माइकल बटलर डेनिस शरीक और इसे प्रोड्यूस किए क्लाइंट इस्टुड और इसे स्टारिंग दिए क्लाइंट इस्टुड माइकल मॉरिटी कैरी सोनिंड्रेग्रेस क्रिस्टोफर पेन रिचर्ड डेसार्ट शिनी पेनी रिचर्ड किल डॉग एमसी क्राट जॉन रूसेल और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए ब्रूस शर्ट, सॉर्टेस और इसे एडिट किए जोएल कॉक्स और इसे म्यूजिक दिए लै नी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी पोड पे कंपनी और इस डिस्ट्रीब्यूट की इसका रिलीज डेट रहा है ट्वेंटी एट्टी और इसका रेन टाइम है 100, 160 और ये बनी हुई इंग, इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर और इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं क्लाइंट स्टूड एज द प्रीचर के रूप में माइक मॉरिट्री एज राहुल बैरेट के रूप में कैरी सोन एंड ग्रेस एज सरा व्हीलर के रूप में रिचर्ड डे स्टार्ट को लेड के रूप में सिडनी पेनी एज मेगन व्हीलर के रूप में जॉन रूसे मार्सल स्टोकबर्न के रूप में रिचर्ड किया एस क्लब के रूप में डॉग एम सिगरेट एज स्पेडर कॉनवे के रूप में चक लेफोंट एज ईडी कॉनवे के रूप में बिली ड्रैगो एज डिप्टी मैदर के रूप में जेफरी वेस्टमैन एज डेडी कॉनवे के रूप में चार्ल्स हैलहन एस एम सी गिल के रूप में मार्विन एजर्ड एम एज जागु फ्रेंड रियान एज में, एज में, इवांस एज में। सो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं पुराने पश्चिम में कैलिफोर्निया के बाहर कार्बन कैनियन में खानन व्यवसायी को लाहौर स्वतंत्र भविष्य वक्ताओं और उनके परिवारों के खिलाफ डराने धमकाने का युद्ध छेड़ रहा है जिसमें हल भी शामिल है जो सारा व्हीलर से प्रेम मालाप कर रहा है सारा की किशोर बेटी मेगना लाहड़ू से मुक्ति के लिए बेताब है क्योंकि उसके आदमियों को एक गिरोह ने खनन शिविर सिवे शिविर पर हमला किया और उसके कुत्ते को मार डाला एक चमत्कार के लिए प्रार्थना प्रार्थना करती है कुछ ही समय बाद एक आदमी पीले घोड़े पर सवार सवार हो कर, पीले घोड़े कपड़े धो रहा था उसने देखा कि पीठ पे छह गोलियां के घाव दिखाई दे रहे हैं जब अजनबी खाने के मेज पर आता है है तो वह लिपिक कॉलर पहनता है और उसके बाद उसे उपदेशक कहा जाता है कोई लाहौडू का बेटा जो सुआ कलब नामक एक विशाल कार्यकर्ता के साथ उपदेशक को डराने का प्रयास करता है हालांकि प्रीचर कमर में पर हथौड़े से वार करके क्लब को निष्क्रिय कर देता है कोई इससे क्रमेटो से लौटता है उसे उपदेशक के आगमन के बारे में पता चलता है और वह उसे रिश्वत देने और फिर धमकी देने की असफल प्रयास करता है के सुझाव पर लाहड़ू खानी को प्रति दावे एक हजार डॉलर की पेशकश करता है बशर्त व चौबीस घंटों के भीतर खाली कर दे लाडू का कहना है कि वह स्टॉकबोर्ड नाम के एक भ्रष्ट मार्शल की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है ताकि अगर वे मना कर दे तो द्वारा उन्हें हटा दिया जाए। उदारा उन्हें बॉन्ड के बारे में चेतावनी देने के बावजूद खानिकों के अलहाड़ो की पेशकश का अस्वीकार कर दिया मेगन परिसर के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है लेकिन वह धीरे से उसे छी दे झिड़क देते हैं मैगन गुस्से में मान लेती है कि प्रीचर वास्तव में सारा से प्यार करता है उपदेशक कार्बन कैनियन से दूसरे शहर के लिए निकलता है जहां वो वेल्स फॉर्ग बेस्ट बैंक में रुकता है बैंक में वहां एक सुरक्षा बॉक्स से दो दो पिस्तौल उठाता है और वह अपना लिपिक कॉलर हटा देता है लहाड़ू के लोगों ने खाड़ी को बांध दिया और स्थानीय को सूखे बिस्तर पर खन कर करने के लिए मजबूर किया मेगन लाहौड़ो के शिविर में आती आ जा, जाती है जहां जोशुआ उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने से पहले उसे ब्लास्ट ब्ला, ब्लास्टिक ऑपरेशन दिखाता है और जैसे घोड़े पर सवार होकर आता है जोशुआ को निहत्र कर देता है और उसके साथ में गोली मार देता है के हाथ में गोली मार देता है और उनके प्रतिद्वी लाड़ू का उसे उपदेशक का एक मोटा विवरण देता है जो स्टॉक बॉन्ड को चौका देता है क्योंकि जिस व्यक्ति का वर्णन कर रहा है वह मर चुका है तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस प्रेस करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्ल राइडर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये तो उन्नीस की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया क्लिंट ईस्टवुड और इस लिखे हैं माइकल बटलर डेनिस शरीक और इसे प्रोड्यूस किए क्लाइंट स्टूड इस और इसे स्टारिंग दिए क्लाइंट स्टूड माइकल मॉरिट्री कैरी कैरिस क्रिस्टोफर पेन रिचर्ड डे डेसार्ट डे पेनी रिचर्ड कील डॉग एमसी ग्रैथ जॉन रोसेल और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है ब्रूस शॉर्ट और इसे एडिट किया जोएल कॉक्स और इसे म्यूजिक दिए लैनी निहाश और इसकी पुराने कंपनी द मेल कंपनी और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वनर ब्रदर और इसका रिलीज रहा है ट्वेंटी और इसका रेंट टाइम है वन वन हंड्रेड सिक्सटी मिनट और ये एक स्टेट बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर और इस इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं क्लाइंट स्टूड एज द प्रीचर के रूप में माइक मॉरिट्री एज द हूल बैरट के रूप में कैरी एंड सोनड ग्रेस एज सारा व्हीलर के रूप में रिचर्ड डे को लेहुड के रूप में सिडनी पेनी एज मेगन व्हीलर के रूप में जॉन रूसेल एज मार्सल स्टोकबर्न के रूप में रिचर्ड किया एस क्लब के रूप में डॉग एम सी एज स्पेडर कॉनवे के रूप में चक लेफोंट एज ईडी कॉनवे के रूप में बिली ड्रैगो एज डिप्टी मैदर के रूप में जेफरी वेस्टमैन एज डेडी कॉनवे के रूप में चार्ल्स हैलोहन एस एम सी गिल के रूप में मार्विन एजर्ड एम

लाहड़ू स्वतंत्र भविष्य वक्ताओं और उनके परिवारों के खिलाफ डराने धमकाने का युद्ध छेड़ रहा है जिसमें हल भी शामिल है जो सारा व्हीलर से प्रेम मालाप कर रहा है सारा की किशोर बेटी मेगना लाहड़ू से मुक्ति के लिए बेताब है क्योंकि उसके आदमियों को एक गिरोह ने खान शिविर सिवे शिविर पर हमला किया और उसके कुत्ते को मार डाला एक चमत्कार के लिए प्रार्थना प्रार्थना करती है कुछ ही समय बाद एक आदमी पीले घोड़े पर सवार सवार हो कर, पीले घोड़े कपड़े धो रहा था उसने देखा कि पीठ पे छह गोलियां के घाव दिखाई दे रहे हैं जब अजनबी खाने के मेज पर आता है है तो वह लिपिक कॉलर पहनता है और उसके बाद उसे उपदेशक कहा जाता है कोई लाहौडू का बेटा जो सुहा कलम नामक एक विशाल कार्यकर्ता के साथ उपदे, उपदेशक को डराने का प्रयास करता है हालांकि प्रीचर कमर में हर, पर हथौड़े से वार करके क्लब को निष्क्रिय कर देता है कोई इससे क्रमेटो से, से लौटता लो है उसे उपदेशक के आगमन के बारे में पता चलता है और वह उसे रिश्वत देने और फिर धमकी देने की असफल प्रयास करता है के सुझाव पर लाहड़ू खानी कुप्रति दावे एक हजार डॉलर की पेशकश करता है बसर्त व चौबीस घंटों के भीतर खाली कर दे लहाड़ू का कहना है कि वह स्टॉकबोर्ड नाम के एक भ्रष्ट मार्शल की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है ताकि अगर वे मना कर दे तो वह उन्हें हटा दिया जाए परिचर द्वारा उन्हें स्टॉक बॉन्ड के बारे में चेतावनी देने के बावजूद खानिकों के अलहाड़ों की पेशकश का अस्वीकार कर दिया मेगन परिचर के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है लेकिन वह धीरे से उसे छी दे झिगड़क देते हैं मैगन गुस्से में मान लेती है कि प्रीचर वास्तव में सारा से प्यार करता है उपदेशक कार्बन कैनियन से दूसरे शहर के लिए निकलता है जहां वो वेल्स फॉर बैंक में रुकता है बैंक में वहां एक सुरक्षा बॉक्स से दो दो पिस्तौल उठाता है और वह अपना लिपिक कॉलर हटा देता है लहाड़ू के लोगों ने खाड़ी को बांध दिया और खानी को कुछ सूखे बिस्तर पर खन खनन कर करने के लिए मजबूर किया मेगन लाहौर के शिविर में आती आ जा जा जाती है जहां जोशुआ उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने से पहले उसे ब्लास्ट ब्लास्टिक ऑपरेशन दिखाता है और जैसे घोड़े पर सवार होकर आता है जोशुआ को निहत्र कर देता है और उसके साथ में गोली मार देता है

इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर दें हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्ल राइडर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये तो उन्नीस की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है क्लिंट ईस्टवुड और इस लिखे हैं माइकल बटलर डेनिस शरीक और इसे प्रोड्यूस किए क्लाइंट स्टूड इस और इसे स्टारिंग दिए क्लाइंट स्टूड माइकल मॉरिट्री कैरी सोनन डिग्रेस क्रिस्टोफर पेन रिचर्ड डे डेसार्ट शर्डनी पेनी रिचर्ड केएल डॉग एमसी ग्रेट जॉन रुसेल और इसे सिनेमेटोग्राफी ने ब्रूस सॉर्टस और इसे एडिट के जोएल कॉक्स और इसे म्यूजिक ने लैननी निहॉस और इसकी पुडांग कंपनी द मेलफेशो कंपनी और इसे रिचेबर्ड की वनर ब्रदर और इस कैरेलेटर रहा है 26985 और इसका एमएम है 100 और ये 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 बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर और इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं क्लाइंट स्टूड एज प्रीचर के रूप में माइक मॉरिट्री एज हुल बैरट के रूप में कैरी सोन एंड ग्रेस एज सारा व्हीलर के रूप में रिचर्ड को लेवड के रूप में सिडनी पेनी एज मेगन व्हीलर के रूप में जॉन रूसेल मार्सल स्टोकबर्न के रूप में रिचर्ड किया एस क्लब के रूप में डॉग एम सी एज स्पेडर कॉनवे के रूप में चक लेफ्ट एज इडी कॉनवे के रूप में बिली ड्रैगो एज डिप्टी मैदर के रूप में जेफरी वेस्टमैन एज डेडी कॉनवे के रूप में चार्ल्स हैलहन एस एम सी गिल के रूप में मार्विन एजर्ड एम

लाहौर स्वतंत्र भविष्य वक्ताओं और उनके परिवारों के खिलाफ डराने धमकाने का युद्ध छेड़ रहा है जिसमें हल भी शामिल है जो सारा व्हीलर से प्रेम मालाप कर रहा है सारा की किशोर बेटी मेगना लाहड़ू से मुक्ति के लिए बेताब है क्योंकि उसके आदमियों को एक गिरोह ने खाना शिविर सिवे शिविर पर हमला किया और उसके कुत्ते को मार डाला एक चमत्कार के लिए प्रार्थना प्रार्थना करती है कुछ ही समय बाद एक आदमी पीले घोड़े पर सवार सवार हो कर, पीले घोड़े कपड़े धो रहा था उसने देखा कि पीठ पे छह गोलियां के घाव दिखाई दे रहे हैं जब अजनबी खाने के मेज पर आता है है तो वह लिपिक कॉलर पहनता है और उसके बाद उसे उपदेशक कहा जाता है कोई लाहौडू का बेटा जो सुबह कलब नामक एक विशाल कार्यकर्ता के साथ उपदेशक को डराने का प्रयास करता है हालांकि प्रीचर कमर में पर हथौड़े से वार करके क्लब को निष्क्रिय कर देता है कोई इससे क्रमेटो से लौटता लो है उसे उपदेशक के आगमन के बारे में पता चलता है और वह उसे रिश्वत देने और फिर धमकी देने की असफल प्रयास करता है के सुझाव पर लाहड़ू खानी को प्रति दावे एक हजार डॉलर की पेशकश करता है बशर्त व चौबीस घंटों के भीतर खाली कर दे लाडू का कहना है कि वह स्टॉकबोर्ड नाम के एक भ्रष्ट मार्शल की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है ताकि अगर वे मना कर दे तो द्वारा उन्हें हटा दिया जाए। उदारा उन्हें बॉन्ड के बारे में चेतावनी देने के बावजूद खानिकों के अलहाड़ो की पेशकश का अस्वीकार कर दिया मेगन परिसर के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है लेकिन वह धीरे से उसे छी दे झिड़क देते हैं मैगन गुस्से में मान लेती है कि प्रीचर वास्तव में सारा से प्यार करता है उपदेशक कार्बन कैनियन से दूसरे शहर के लिए निकलता है जहां वो वेल्स फॉर्ग बेस्ट बैंक में रुकता है बैंक में वहां एक सुरक्षा बॉक्स से दो दो पिस्तौल उठाता है और वह अपना लिपिक कॉलर हटा देता है लहाड़ू के लोगों ने खाड़ी को बांध दिया और खानी को कुछ सूखे बिस्तर पर खन कर करने के लिए मजबूर किया मेगन लाहौड़ो के शिविर में आती आ जा, जाती है जहां जोशुआ उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने से पहले उसे ब्लास्ट प्ला, ब्लास्टिक ऑपरेशन दिखाता है और जैसे घोड़े पर सवार होकर आता है जोशुआ को निहत्र कर देता है और उसके साथ में गोली मार देता है

इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्ल राइडर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं ये तो उन्नीस सौ पचासी की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए क्लिंट ईस्टवुड और इसे लिखे हैं माइकल बटलर डेनिस सरी और इसे प्रोड्यूस किए क्लाइंट इस्टुड और इसे स्टारिंग दिए क्लाइंट इस्टुड माइकल मॉरिट्री कैरी सोनिया डेग्रेस क्रिस्टोफर पेन रिचर्ड डेसार्ट शिनी पेनी रिचर्ड किल डॉग एमसी ग्रेट जॉन रूसेल और इसे सिनेमाटाग्राफी दिए ब्रूस सॉर्टेस शर्ट, और इसे एडिट किए जोएल कॉक्स और इसे म्यूजिक दिए नी और इसकी पुरानी द मेल पैसो कंपनी और इस डिस्ट्रीब्यूट की और इसका बनी हुई इंग, इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है इसका बजट है सिक्स पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर और इस टेलीफेन मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं क्लाइंट स्टूड एज प्रीचर के रूप में माइक मॉरिट्री एज लहुल बैरट के रूप में कैरी सोन एंड ग्रेस एज सारा व्हीलर के रूप में रिचर्ड डे स्टार्ट को लेड के रूप में सिडनी पेनी एज मेगन व्हीलर के रूप में जॉन रूसेल एज मार्शल स्टोकबर्न के रूप में रिचर्ड किया एस क्लब के में डॉग एम सिगरेट एज एसपेडर कॉनवे के रूप में चक क्लेफ एज ईडी कॉनवे के रूप में बिली ड्रैगो एज डिप्टी मैदर के रूप में जेफरी वेस्टमैन एज डेडी कॉनवे के रूप में चार्ल्स हैलहन एस एम सी गिल के रूप में मार्विन एजर्ड एम

लाहड़ू स्वतंत्र भविष्य वक्ताओं और उनके परिवारों के खिलाफ डराने धमकाने का युद्ध छेड़ रहा है जिसमें हल भी शामिल है जो सारा व्हीलर से प्रेम मालाप कर रहा है सारा की किशोर बेटी मेगना लाहड़ू से मुक्ति के लिए बेताब है क्योंकि उसके आदमियों को एक गिरोह ने खान शिविर सिवे शिविर पर हमला किया और उसके कुत्ते को मार डाला एक चमत्कार के लिए प्रार्थना प्रार्थना करती है कुछ ही समय बाद एक आदमी पीले घोड़े पर सवार सवार हो कर, पीले घोड़े कपड़े धो रहा था उसने देखा कि पीठ पे छह गोलियां के घाव दिखाई दे रहे हैं जब अजनबी खाने के मेज पर आता है है तो वह लिपिक कॉलर पहनता है और उसके बाद उसे उपदेशक कहा जाता है कोई लाहौडू का बेटा जो सुहा कलम नामक एक विशाल कार्यकर्ता के साथ उपदे, उपदेशक को डराने का प्रयास करता है हालांकि प्रीचर कमर में पर हथौड़े से वार करके क्लब को निष्क्रिय कर देता है कोई इससे क्रमेटो से, से लौटता लो है उसे उपदेशक के आगमन के बारे में पता चलता है और वह उसे रिश्वत देने और फिर धमकी देने की असफल प्रयास करता है प्रीचर के सुझाव पर लाहडू खानी को प्रति दावे एक हजार डॉलर की पेशकश करता है बसर्त वह चौबीस घंटों के भीतर खाली कर दे लाहडू का कहना है कि वह स्टॉकबोर्ड नाम के एक भ्रष्ट मार्शल की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है ताकि अगर वे मना कर दे तो वह उन्हें हटा दिया जाए परिचर द्वारा उन्हें स्टॉक बॉन्ड के बारे में चेतावनी देने के बावजूद खानिकों के अलहाड़ों की पेशकश का अस्वीकार कर दिया मेगन परिचर के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है लेकिन वह धीरे से उसे छी देती झिगड़क देते हैं मैगन गुस्से में मान लेती है कि प्रीचर वास्तव में सारा से प्यार करता है उपदेशक कार्बन कैनियन से दूसरे शहर के लिए निकलता है जहां वो वेल्स फॉर बैंक में रुकता है बैंक में वहां एक सुरक्षा बॉक्स से दो दो पिस्तौल उठाता है और वह अपना लिपिक कॉलर हटा देता है लहाड़ू के लोगों ने खाड़ी को बांध दिया और खानी को कुछ सूखे बिस्तर पर खन खनन कर करने के लिए मजबूर किया मेगन लाहौर के शिविर में आती आ जा जा जाती है जहां जोशुआ उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने से पहले उसे ब्लास्ट ब्लास्टिक ऑपरेशन दिखाता है और जैसे घोड़े पर सवार होकर आता है जोशुआ को निहत्र कर देता है और उसके साथ में गोली मार देता है

इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्ल राइडर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं ये तो उन्नीस की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए है क्लिंट ईस्टवुड और इस लिखे हैं माइकल बटलर डेनिस शरीक और इसे प्रोड्यूस किए क्लाइंट इस्टुड और इसे स्टारिंग दिए क्लाइंट इस्टुड माइकल मॉरिट्री कैरी सोनिंड्रेग्रेस क्रिस्टोफर पेन रिचर्ड डेसार्ट शिनी पेनी रिचर्ड किल डॉग एमसी क्राट जॉन रूसेल और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए ब्रूस शर्ट, सॉर्टेस और इसे एडिट किए जोएल कॉक्स और इसे म्यूजिक दिए ल� लैन, नी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी द मेल पे कंपनी और इस डिस्ट्रीब्यूट की और इसका रिलीज डेट रहा है 26, और इसका रेन टाइम है 100, 160 और ये बनी हुई इंग, इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर और इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं क्लाइंट स्टूड एज द प्रीचर के रूप में माइक मॉरिट्री एज लाहूल बैरट के रूप में कैरी सॉन एंड ग्रेस एज सरा व्हीलर के रूप में रिचर्ड डे स्टार्ट को लेड के रूप में सिडनी पेनी एज मेगन व्हीलर के रूप में जॉन रूसे मार्सल स्टोकबर्न के रूप में रिचर्ड किया एस क्लब के रूप में डॉग एम सिगरेट एज स्पेडर कॉनवे के रूप में चक लेफोंट एज ईडी कॉनवे के रूप में बिली ड्रैगो एज डिप्टी मैदर के रूप में जेफरी वेस्टमैन एज डेडी कॉनवे के रूप में चार्ल्स हैलहन एस एम सी गिल के रूप में मार्विन एजर्ड एम

लाहौर स्वतंत्र भविष्य वक्ताओं और उनके परिवारों के खिलाफ डराने धमकाने का युद्ध छेड़ रहा है जिसमें हल बैरेट भी शामिल है जो सारा व्हीलर से प्रेम कर रहा है सारा की किशोर बेटी मेगना लाहड़ू से मुक्ति के लिए बेताब है क्योंकि उसके आदमियों को एक गिरोह ने खान शिविर सिवे शिविर पर हमला किया और उसके कुत्ते को मार डाला एक चमत्कार के लिए प्रार्थना प्रार्थना करती है कुछ ही समय बाद एक आदमी पीले घोड़े पर सवार सवार हो कर, पीले घोड़े कपड़े धो रहा था उसने देखा कि पीठ पे छह गोलियां के घाव दिखाई दे रहे हैं जब अजनबी खाने के मेज पर आता है है तो वह लिपिक कॉलर पहनता है और उसके बाद उसे उपदेशक कहा जाता है कोई लाहौडू का बेटा जो सुआ कलब नामक एक विशाल कार्यकर्ता के साथ उपदेशक को डराने का प्रयास करता है हालांकि प्रीचर कमर में पर हथौड़े से वार करके क्लब को निष्क्रिय कर देता है कोई इससे क्रमेटो से लौटता है उसे उपदेशक के आगमन के बारे में पता चलता है और वह उसे रिश्वत देने और फिर धमकी देने की असफल प्रयास करता है के सुझाव पर लाहड़ू खानी को प्रति दावे एक हजार डॉलर की पेशकश करता है बशर्त व चौबीस घंटों के भीतर खाली कर दे लाडू का कहना है कि वह स्टॉकबोर्ड नाम के एक भ्रष्ट मार्शल की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है ताकि अगर वे मना कर दे तो द्वारा उन्हें हटा दिया जाए। उदारा उन्हें बॉन्ड के बारे में चेतावनी देने के बावजूद खानिकों के अलहाड़ो की पेशकश का अस्वीकार कर दिया मेगन परिसर के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है लेकिन वह धीरे से उसे छी दे झिड़क देते हैं मेगन गुस्से में मान लेती है कि प्रीचर वास्तव में सारा से प्यार करता है उपदेशक कार्बन कैनियन से दूसरे शहर के लिए निकलता है जहां वो वेल्स फॉर्ग बेस्ट बैंक में रुकता है बैंक में वहां एक सुरक्षा बॉक्स से दो दो पिस्तौल उठाता है और वह अपना लिपिक कॉलर हटा देता है लाहाड़ू के लोगों ने खाड़ी को बांध दिया और खानी को कुछ सूखे बिस्तर पर खनन कर करने के लिए मजबूर किया मेगन लाहौड़ों के शिविर में आती आ जाती है जहां जोशुआ उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने से पहले उसे ब्लास्ट ब्लास्टिक ऑपरेशन दिखाता है और जैसे घोड़े पर सवार होकर आता है जोशुआ को निहत्र कर देता है और उसके साथ में गोली मार देता है के हाथ में गोली मार देता है बन और उनके प्रतिद्वी लाड़ू का। को उसे उपदेशक का एक मोटा विवरण देता है जो स्टॉक बॉन्ड को देता है क्योंकि को जिस व्यक्ति का वर्णन कर रहा है वह मर चुका है तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस प्रेस करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्ल राइडर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये तो उन्नीस की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया क्लिंट ईस्टवुड और इस लिखे हैं माइकल बटलर डेनिस शरीक और इसे प्रोड्यूस किए हैं क्लाइंट स्टूड इस और इसे स्टारिंग दिए क्लाइंट स्टूड माइकल मॉरिट्री कैरिस क्रिस्टोफर पेन रिचर्ड डेसार्ट सिडनी पेनी रिचर्ड कियल डॉग

टेलीफे मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं क्लाइंट स्टूड एज प्रीचर के रूप में माइक मॉरिट्री एज हूल बैरट के रूप में कैरी सोन एंड ग्रेस एज सारा व्हीलर के रूप में रिचर्ड डे स्टार्ट को में सिडनी पेनी एज मेगन व्हीलर के रूप में जॉन रूसेल एज मार्शल स्टोकबर्न के रूप में रिचर्ड किया एस क्लब के ग्रुप में डॉग एम सिगरेट एज एसपेडर कॉनवे के रूप में चक क्लेफोंट एज ईडी कॉनवे के रूप में बिली ड्रैगो एज डिप्टी मैदर के ग्रुप में जेफरी वेस्टमैन, एज डेडी कॉनवे के रूप में चार्ल्स हैलहन एस एम सी गिल के रूप में मार्विन एजर्ड एम एज जागु जगाओ रियान एज रिचर्ड एज इवांस एज में रिचर्ड तो चलिए इस मूवी के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं पुराने पश्चिम में कैलिफोर्निया के बाहर कार्बन कैनियन में खनन व्यवसायी को लाहड़ू स्वतंत्र भविष्य वक्ताओं और उनके परिवारों के खिलाफ डराने धमकाने का युद्ध छेड़ रहा है जिसमें हल भी शामिल है जो सारा व्हीलर से प्रेम मालाप कर रहा है सारा की किशोर बेटी मेगना लाहड़ू से मुक्ति के लिए बेताब है क्योंकि उसके आदमियों को एक गिरोह ने खान शिविर सिवे शिविर पर हमला किया और उसके कुत्ते को मार डाला एक चमत्कार के लिए प्रार्थना प्रार्थना करती है कुछ ही समय बाद एक आदमी पीले घोड़े पर सवार सवार हो कर, पीले घोड़े कपड़े धो रहा था उसने देखा कि पीठ पे छह गोलियां के घाव दिखाई दे रहे हैं जब अजनबी खाने के मेज पर आता है है तो वह लिपिक कॉलर पहनता है और उसके बाद उसे उपदेशक कहा जाता है कोई लाहौडू का बेटा जो सुहा कलम नामक एक विशाल कार्यकर्ता के साथ उपदे, उपदेशक को डराने का प्रयास करता है हालांकि प्रीचर कमर में पर हथौड़े से वार करके क्लब को निष्क्रिय कर देता है कोई इससे क्रमेटो से, से लौटता लो है उसे उपदेशक के आगमन के बारे में पता चलता है और वह उसे रिश्वत देने और फिर धमकी देने की असफल प्रयास करता है के सुझाव पर लाहड़ू खानी कुप्रति दावे एक हजार डॉलर की पेशकश करता है बसर्त व चौबीस घंटों के भीतर खाली कर दे लहाड़ू का कहना है कि वह स्टॉकबोर्ड नाम के एक भ्रष्ट मार्शल की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है ताकि अगर वे मना कर दे तो वह उन्हें हटा दिया जाए परिचर द्वारा उन्हें स्टॉक बॉन्ड के बारे में चेतावनी देने के बावजूद खानिकों के अलहाड़ों की पेशकश का अस्वीकार कर दिया मेगन परिचर के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है लेकिन वह धीरे से उसे छी दे झिगड़क देते हैं मैगन गुस्से में मान लेती है कि प्रीचर वास्तव में सारा से प्यार करता है उपदेशक कार्बन कैनियन से दूसरे शहर के लिए निकलता है जहां वो वेल्स फॉर बैंक में रुकता है बैंक में वहां एक सुरक्षा बॉक्स से दो दो पिस्तौल उठाता है और वह अपना लिपिक कॉलर हटा देता है लहाड़ू के लोगों ने खाड़ी को बांध दिया और खानी को कुछ सूखे बिस्तर पर खन खनन कर करने के लिए मजबूर किया मेगन लाहौर के शिविर में आती आ जा जाती है जहां जोशुआ उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने से पहले उसे ब्लास्ट ब्लास्टिक ऑपरेशन दिखाता है और जैसे घोड़े पर सवार होकर आता है जोशुआ को निहत्र कर देता है और उसके साथ में गोली मार देता है

इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्ल राइडर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं ये तो उन्नीस की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए है क्लिंट ईस्टवुड और इस लिखे हैं माइकल बटलर डेनिस शरीक और इसे प्रोड्यूस किए क्लाइंट इस्टुड और इसे स्टारिंग दिए क्लाइंट इस्टुड माइकल मॉरिट्री कैरी सोनिंड्रेग्रेस क्रिस्टोफर पेन रिचर्ड डेसार्ट शिनी पेनी रिचर्ड किल डॉग एमसी क्राट जॉन रूसेल और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए ब्रूस शर्ट, सॉर्टेस और इसे एडिट किए जोएल कॉक्स और इसे म्यूजिक दिए ल� लैन, नी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी द मेल पे कंपनी और इस डिस्ट्रीब्यूट की और रिलीज डेट रहा है ट्वेंटी एट्टी और इसका रेन टाइम है 100, 160 और ये बनी हुई इंग, इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर और इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं क्लाइंट स्टूड एज द प्रीचर के रूप में माइक मॉरिट्री एज राहुल बैरेट के रूप में कैरी सोन एंड ग्रेस एज सरा व्हीलर के रूप में रिचर्ड डे स्टार्ट को लेड के रूप में सिडनी पेनी एज मेगन व्हीलर के रूप में जॉन रूसेल एज मार्शल स्टोकबर्न के रूप में रिचर्ड किया एस क्लब के रूप में डॉग एम सिगरेट ग्रेथ एज स्पेडर ग्रुप के रूप में चक लेफॉन्ट एज इडी ग्रुप के रूप में बिली ड्रैगो एज डिप्टी मैदर के रूप में जेफरी वेस्टमैन एज डेडी ग्रुप के रूप में चार्ल्स हैलोहन एस एम सी गिल के रूप में मार्विन एजर्ड एम

लाहौर स्वतंत्र भविष्य वक्ताओं और उनके परिवारों के खिलाफ डराने धमकाने का युद्ध छेड़ रहा है जिसमें हल बैरेट भी शामिल है जो सारा व्हीलर से प्रेम मालाप कर रहा है सारा की किशोर बेटी मेगना लाहौर से मुक्ति के लिए बेताब है क्योंकि उसके आदमियों को एक गिरोह ने खाना शिविर सिवे शिविर पर हमला किया और उसके कुत्ते को मार डाला एक चमत्कार के लिए प्रार्थना प्रार्थना करती है कुछ ही समय बाद एक आदमी पीले घोड़े पर सवार सवार हो कर, पीले घोड़े कपड़े धो रहा था उसने देखा कि पीठ पे छह गोलियां के घाव दिखाई दे रहे हैं जब अजनबी खाने के मेज पर आता है है तो वह लिपिक कॉलर पहनता है और उसके बाद उसे उपदेशक कहा जाता है कोई लाहौडू का बेटा जो सुआ कलब नामक एक विशाल कार्यकर्ता के साथ उपदेशक को डराने का प्रयास करता है हालांकि प्रीचर कमर में पर हथौड़े से वार करके क्लब को निष्क्रिय कर देता है कोई इससे क्रमेटो से लौटता है उसे उपदेशक के आगमन के बारे में पता चलता है और वह उसे रिश्वत देने और फिर धमकी देने की असफल प्रयास करता है के सुझाव पर लाहड़ू खानी को प्रति दावे एक हजार डॉलर की पेशकश करता है बशर्त व 24 घंटों के भीतर खाली कर दे लाडू का कहना है कि वह स्टॉकबोर्ड नाम के एक भ्रष्ट मार्शल की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है ताकि अगर वे मना कर दे तो वह उन्हें हटा दिया जाए। उदारा उन्हें बॉन्ड के बारे में चेतावनी देने के बावजूद खानिकों के अल्डो की पेशकश का अस्वीकार कर दिया मेगन परिसर के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है लेकिन वह धीरे से उसे छिकर दे झिड़क देते हैं मैगन गुस्से में मान लेती है कि प्रीचर वास्तव में सारा से प्यार करता है उपदेशक कार्बन कैनियन से दूसरे शहर के लिए निकलता है जहां वो वेल्स फॉर्ग बेस्ट बैंक में रुकता है बैंक में वहां एक सुरक्षा बॉक्स से दो दो पिस्तौल उठाता है और वह अपना लिपिक कॉलर हटा देता है लहाड़ू के लोगों ने खाड़ी को बांध दिया और स्थानीय को कुछ सूखे बिस्तर पर खन कर करने के लिए मजबूर किया मेगन लाहौड़ो के शिविर में आती आ जा, जाती है जहां जोशुआ उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने से पहले उसे ब्लास्ट ब्ला, ब्लास्टिक ऑपरेशन दिखाता है और जैसे घोड़े पर सवार होकर आता है जोशुआ को निहत्र कर देता है और उसके साथ में गोली मार देता है उसके हाथ में बोली मार देता है स्लॉग बन और उनके प्रतिद्वंदी लाड़ू पोचे का कॉय उसे उपदेशक का एक मोटा विवरण देता है जो स्टॉक बॉन्ड को चौंका देता है क्योंकि कॉय जिस व्यक्ति का वर्णन कर रहा है वह मर चुका है तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लग रही वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस प्रेस करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्ल राइडर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये तो उन्नीस की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया क्लिंट ईस्टवुड और इस लिखे हैं माइकल बटलर डेनिस शरीक और इसे प्रोड्यूस किए क्लाइंट स्टूड इस और इसे स्टारिंग दिए क्लाइंट स्टूड माइकल मॉरिट्री कैरी एंड ड्रेग्रेस क्रिस्टोफर पेन रिचर्ड डे डेसार्ट शर्डनी पेनी रिचर्ड केएल डॉग एमसी ग्रेट जॉन रुसेल और इसे सिनेमेटोग्राफी दी ब्रूस सॉर्टस और इसे एडिट की जोएल कॉक्स और इसे म्यूजिक दिए लैन लेनी निहॉस और इसकी पुडांग कंपनी द मेलफेशो कंपनी और इसे रिसेबर्ड की वर्नर ब्रदर और इस रेलीडेट रहा है 196985 और इसका एंड एम है 100 और ये एक में बनी हुई इंग, इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर और इस इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं क्लाइंट स्टूड एज द प्रीचर के रूप में माइक मॉरिट्री एज द हूल बैरट के रूप में कैरी एंड सोनड ग्रेस एज सारा व्हीलर के रूप में रिचर्ड डे को लेहुड के रूप में सिडनी पेनी एज मेगन व्हीलर के रूप में जॉन रूसेल एज मार्सल स्टोकबर्न के रूप में रिचर्ड किया एस क्लब के रूप में डॉग एम सी एज स्पेडर कॉनवे के रूप में चक लेफोंट एज ईडी कॉनवे के रूप में बिली ड्रैगो एज डिप्टी मैदर के रूप में जेफरी वेस्टमैन एज डेडी कॉनवे के रूप में चार्ल्स हैलोहन एस एम सी गिल के रूप में मार्विन एजर्ड एम

लाहड़ू स्वतंत्र भविष्य वक्ताओं और उनके परिवारों के खिलाफ डराने धमकाने का युद्ध छेड़ रहा है जिसमें हल भी शामिल है जो सारा व्हीलर से प्रेम मालाप कर रहा है सारा की किशोर बेटी मेगना लाहड़ू से मुक्ति के लिए बेताब है क्योंकि उसके आदमियों को एक गिरोह ने खान शिविर सिवे शिविर पर हमला किया और उसके कुत्ते को मार डाला एक चमत्कार के लिए प्रार्थना प्रार्थना करती है कुछ ही समय बाद एक आदमी पीले घोड़े पर सवार सवार हो कर, पीले घोड़े कपड़े धो रहा था उसने देखा कि पीठ पे छह गोलियां के घाव दिखाई दे रहे हैं जब अजनबी खाने के मेज पर आता है है तो वह लिपिक कॉलर पहनता है और उसके बाद उसे उपदेशक कहा जाता है कोई लाहौडू का बेटा जो सुहा कलम नामक एक विशाल कार्यकर्ता के साथ उपदे, उपदेशक को डराने का प्रयास करता है हालांकि प्रीचर कमर में पर हथौड़े से वार करके क्लब को निष्क्रिय कर देता है कोई इससे क्रमेटो से, से लौटता है उसे उपदेशक के आगमन के बारे में पता चलता है और वह उसे रिश्वत देने और फिर धमकी देने की असफल प्रयास करता है के सुझाव पर लाहड़ू खानी कुप्रति दावे एक हजार डॉलर की पेशकश करता है बसर्त व चौबीस घंटों के भीतर खाली कर दे लहाड़ू का कहना है कि वह स्टॉकबोर्ड नाम के एक भ्रष्ट मार्शल की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है ताकि अगर वे मना कर दे तो वह उन्हें हटा दिया जाए परिचर द्वारा उन्हें स्टॉक बॉन्ड के बारे में चेतावनी देने के बावजूद खानिकों के अलहाड़ों की पेशकश का अस्वीकार कर दिया मेगन परिचर के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है लेकिन वह धीरे से उसे छी दे झिगड़क देते हैं मैगन गुस्से में मान लेती है कि प्रीचर वास्तव में सारा से प्यार करता है उपदेशक कार्बन कैनियन से दूसरे शहर के लिए निकलता है जहां वो वेल्स फॉर बैंक में रुकता है बैंक में वहां एक सुरक्षा बॉक्स से दो दो पिस्तौल उठाता है और वह अपना लिपिक कॉलर हटा देता है लहाड़ू के लोगों ने खाड़ी को बांध दिया और खानी को कुछ सूखे बिस्तर पर खन खनन कर करने के लिए मजबूर किया मेगन लाहौर के शिविर में आती आ जा जाती है जहां जोशुआ उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने से पहले उसे ब्लास्ट ब्लास्टिक ऑपरेशन दिखाता है और जैसे घोड़े पर सवार होकर आता है जोशुआ को निहत्र कर देता है और उसके साथ में गोली मार देता है

इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर दें हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्ल राइडर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये तो उन्नीस की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है क्लिंट ईस्टवुड और इस लिखे हैं माइकल बटलर डेनिस शरीक और इसे प्रोड्यूस किए क्लाइंट स्टूड इस और इसे स्टारिंग दिए क्लाइंट स्टूड माइकल मॉरिट्री कैरी सोन डिग्रेस क्रिस्टोफर पेन रिचर्ड डेसार्ट दे, पेनी रिचर्ड कील डॉग एमसी ग्रथ जॉन रोसेल और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है ब्रूस शॉर्टस और इसे एडिट के जोएल कॉक्स और इसे म्यूजिक दिए लैनी नी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी द मेल कंपनी और इसे डिस्ट्रीब्यूट की वन ब्रदर और इसका रिलीज रहा है ट्वेंटी और इसका रेंट है वन वन हंड्रेड सिक्सटी मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग, इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है सिक्स पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर और इस इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं क्लाइंट स्टूड एज द प्रीचर के रूप में माइक मॉरिट्री एज द हूल बैरट के रूप में कैरी सॉन ग्रेस एज सारा व्हीलर के रूप में रिचर्ड स्टार्ट कोए लेहुड के रूप में सिडनी पेनी एज मेगन व्हीलर के रूप में जॉन रूसेल एज मार्सल स्टोकबर्न के रूप में रिचर्ड किया एस क्लब के रूप में डॉग एम सी एज स्पेडर कॉनवे के रूप में चक लेफ्ट एज इडी कॉनवे के रूप में बिली ड्रैगो एज डिप्टी मैदर के रूप में जेफरी वेस्टमैन एज डेडी कॉनवे के रूप में चार्ल्स हैलहन एस एम सी गिल के रूप में मार्विन एजर्ड एम

लाहौर स्वतंत्र भविष्य वक्ताओं और उनके परिवारों के खिलाफ डराने धमकाने का युद्ध छेड़ रहा है जिसमें हल भी शामिल है जो सारा व्हीलर से प्रेम मालाप कर रहा है सारा की किशोर बेटी मेगना लाहौर से मुक्ति के लिए बेताब है क्योंकि उसके आदमियों को एक गिरोह ने खाना शिविर सिवे शिविर पर हमला किया और उसके कुत्ते को मार डाला एक चमत्कार के लिए प्रार्थना प्रार्थना करती है कुछ ही समय बाद एक आदमी पीले घोड़े पर सवार सवार हो कर, पीले घोड़े कपड़े धो रहा था उसने देखा कि पीठ पे छह गोलियां के घाव दिखाई दे रहे हैं जब अजनबी खाने के मेज पर आता है है तो वह लिपिक कॉलर पहनता है और उसके बाद उसे उपदेशक कहा जाता है कोई लाहौडू का बेटा जो सुआ कलब नामक एक विशाल कार्यकर्ता के साथ उपदेशक को डराने का प्रयास करता है हालांकि प्रीचर कमर में पर हथौड़े से वार करके क्लब को निष्क्रिय कर देता है कोई इससे क्रमेटो से लौटता है उसे उपदेशक के आगमन के बारे में पता चलता है और वह उसे रिश्वत देने और फिर धमकी देने की असफल प्रयास करता है के सुझाव पर लाहड़ू खानी को प्रति दावे एक हजार डॉलर की पेशकश करता है बशर्त व चौबीस घंटों के भीतर खाली कर दे लाडू का कहना है कि वह स्टॉकबोर्ड नाम के एक भ्रष्ट मार्शल की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है ताकि अगर वे मना कर दे तो द्वारा उन्हें हटा दिया जाए। उदारा उन्हें बॉन्ड के बारे में चेतावनी देने के बावजूद खानिकों के अलहाड़ो की पेशकश का अस्वीकार कर दिया मेगन परिसर के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है लेकिन वह धीरे से उसे छी दे झिड़क देते हैं मैगन गुस्से में मान लेती है कि प्रीचर वास्तव में सारा से प्यार करता है उपदेशक कार्बन कैनियन से दूसरे शहर के लिए निकलता है जहां वो वेल्स फॉर्ग बेस्ट बैंक में रुकता है बैंक में वहां एक सुरक्षा बॉक्स से दो दो पिस्तौल उठाता है और वह अपना लिपिक कॉलर हटा देता है लहाड़ू के लोगों ने खाड़ी को बांध दिया और स्थानीय को कुछ सूखे बिस्तर पर खन कर करने के लिए मजबूर किया मेगन लाहौड़ो के शिविर में आती आ जा, जाती है जहां जोशुआ उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने से पहले उसे ब्लास्ट प्ला, ब्लास्टिक ऑपरेशन दिखाता है और जैसे घोड़े पर सवार होकर आता है जोशुआ को निहत्र कर देता है और उसके साथ में गोली मार देता है हाथ में देता 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 है है स्टॉक और उनके लाड़ू का उसे का उसे एक मोटा देता है जो को देता है क्योंकि जिस व्यक्ति कर रहा है वह मर चुका है तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके वीडियो अच्छी लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को जरूर प्रेस करें इस वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर